आदाब नाजरीन, एडियन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ शेख ज़ुबैर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। घाटी अस्पताल में मरीज खातून स्ट्रेचर से गिर पड़ी, वार्ड स्टाफ ने किया नज़रअंदाज। चोरी की वारदातों में दिन ब दिन हो रहा है इजाफा, टाउन हॉल इलाके में पेश आया चोरी का मामला। कोरोना वबा के चलते बसों में हुई मुसाफिरों की तादाद कम। अब खबरें तफसील से। घाटी अस्पताल में मरीज खातून स्ट्रेचर से गिर पड़ी, लेकिन मौके पर मौजूद घाटी स्टाफ मरीज खातून को नजरअंदाज किया। ये देखकर मरीज के बेटे ने स्टाफ की वीडियो शूटिंग बनाकर उनकी हरकतों को उजागर किया और घाटी इंतजामिया से मौके पर मौजूद स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सिविल अस्पताल के अलावा घाटी अस्पताल में कई कोरोना मुतासरीन जेर इलाज हैं। शहर में कोरोना से मरने वालों की तादाद दिगर अस्पतालों के मुकाबले ज्यादा है। कल घाटी अस्पताल में एक शर्मसार करने वाला वाकया पेश आया, जिसने घाटी अस्पताल की कोविड सेंटर में काम कर रहे डॉक्टर की संगदिली का एहसास करवाया। घाटी अस्पताल के वार्ड नंबर 5 में एक खातून जो कोरोना मुस्बत पाई गई थी, इन्हें वार्ड मजिस्ट्रेट के जरिए लाया गया था। वार्ड में दाखिल करने के बाद डॉक्टर और दिगर स्टाफ मुख्तलिफ कामों में मसरूफ हो गए, तब अचानक इस खातून को झटके लगने लगे, जिसके बाद वो स्ट्रेचर से जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन डॉक्टर और दिगर स्टाफ इससे जान अपने काम में मशगूल थे। खातून का लड़का अपनी वालदा को देखने के लिए दरवाजे पर खड़ा था। ये वाकया देखकर इसने वहाँ मौजूद डॉक्टर और स्टाफ की तवज्जो मबजूल करवाना चाहता था, लेकिन लड़की को नजरअंदाज कर दिया गया। लड़की की जानिब से इस मंजर की रिकॉर्डिंग की जाने लगी, तब डॉक्टर और स्टाफ हरकत में आया और मरीज को जमीन पर उठाकर दोबारा स्ट्रेचर पर डाला गया। इस वाकये को लेकर शहरियान में इंतजामिया के खिलाफ काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है। खातून के लड़के ने घाटी इंतजामिया से खाती स्टाफ और डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इतना डर लगता है क्या? इतना डर लगता है क्या? मेरी अम्मी कहते गिर गए ऊपर। कब से पड़े हो? जल्दी डॉक्टर साहब, जल्दी देखिए ना उनको। मेरी माँ है, वो मेरी माँ कैसे गिर गई वहां से? नहीं तो तुम देखा कहता नहीं तुमने, कितनी देर से पड़े हुए वहां पर वो? तुम क्या कर रहे इतनी देर से? जल्दी काटाओ, जल्दी से उनको बेड पे लेटाओ उनको। कितनी देर से पड़े हुए थे वहां पर वो? शहर में दिन ब दिन चोरी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। टाउन हॉल इलाके में मौजूद कुशन की दुकान और लेग मशीन की दुकानों में चोरी की वाकयात पेश आए। सारकों ने दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे भी चोरी कर फरार हो गए। टाउन हॉल ब्रिज के करीब वाकई कुशन की दुकान और लेग मशीन की दुकान में चोरी का वाकया पेश आया। दुकान मालकान का कहना है कि सारकों ने छोटे छोटे अशय तक नहीं छोड़ी। लेग मशीन की दुकान के मालिक का कहना है कि उनकी दुकान में 5 लाख मालियत की अशिया चोरी हुई, जबकि कुशन के मालिक का कहना है कि इनकी दुकान से 1,50,000 तक की मालियत के सामान सारकों ने लेकर फरार हो गए। मालकान ने सिटी चौक पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज की। पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है। मेरी जो है लेग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिल, हैंड ग्राइंडर और बहुत सारी मशीनरी, टूल्स, ज़रूरी कागजात, ज़रूरी पेपर और जो है 35,000 रुपये कैश थे, जो कल मैं एक कस्टमर से लेके आज सुबह सामान लाने का काम करना चाह रहा था, तो वो पूरी के पूरा चोरों ने उसका सफाया कर दी। लगभग सर तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए की चोरी हुई, क्योंकि मेरा जो वर्कशॉप है टोटल मशीनरी पे निर्भर करता, वो मशीनरी से ही काम होता और मेरी दुकान जो है टाउन हॉल पर है। आज रात में वहाँ पर चोरी हुई और मेरा जो है कुशन का काम है, फोर व्हीलर और टू व्हीलर के सीट कवर बनाता हूँ मैं, कुशन करता हूँ।
चोरी जो हुई सर वो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की चोरी हुई। बसों को चलाने के लिए हुकूमत की जानिब से हरी झंडी मिलने के बाद बसें कई अजला में सफर कर रही है, लेकिन कोरोना की वजह से MSRTC को नुकसान हो रहा है। इस वबा की वजह से मुसाफिर सफर से गुरेज कर रहे हैं, जिसके बाद बसों में मुसाफिरों की तादाद कम हो गई है। वाज़ेह है कि जिले में मुसाफिरों के लिए बसेस को चलाने की मंजूरी हुकूमत की जानिब से दी गई थी। हुकूमत के जारी करदा अहकाम के मद्देनजर रखते हुए मुसाफिर एक जिले से दूसरे जिले सफर कर रहे हैं। कोरोना वबा की वजह से बसों में मुसाफिरों की तादाद कम दिखाई दे रही है। डिपो मैनेजर सुनील शिंदे ने एडियन न्यूज से बात करते हुए कहा कि माजी में MSRTC की रोजाना की आमदनी तकरीबन 17 लाख से ज्यादा थी, लेकिन कोरोना वबा की वजह से MSRTC की हालिया आमदनी 1,60,000 के करीब है। औरंगाबाद में मार्च और अप्रैल के महीने में इलेक्शन होने थे, लेकिन कोरोना के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से इसे मुलतवी कर दिया गया। अवामी नुमाइंदे ना होने की वजह से अवाम के मसाइल इंतजामिया तक नहीं पहुँच रहे हैं। इस ताल्लुक से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर सदर विजय राव साड़वे ने एडियन उर्दू न्यूज से बात की। परिस्थिति अशी आहे की गेल्या एप्रिल मध्ये महानगरपालिकेची मुदत संपलेली आहे आणि एप्रिलपासून मला असं वाटतं हा एप्रिलपासूनच महानगरपालिकेवर प्रशासक नेमण्यात आलेलं आहे। पण झालं काय की या गेल्या 4-5 महिन्यापासून पूर्ण देशामध्ये आणि राज्यामध्ये कोरोनाच्या या महामारीचे संकट आलेले आहे आणि त्यामुळं या इलेक्शन पुढं ढकलण्यात आलेले। पण परिस्थिती अशी आहे की आता नागरिक या शहरातील वातावरण जसं तुम्ही म्हटले की शहरामध्ये रस्ते ड्रेनेज लाईन आणि इतकं खड्ड्यांचं शहर झालेलं आहे आणि महानगरपालिका मला असं वाटतं की अपुरे पडते। महानगरपालिकेचे जे अधिकारी आहेत ते काम करतायत पण अपुरे पडतायत आणि त्यांचा पाठपुरवा करायला कोणी नाही आहे। जर महानगरपालिकेमध्ये लोकप्रतिनिधी असते तर त्यांनी पाठपुरावा करून शहरातील ज्या समस्या आहेत त्यामध्ये कचरा असेल, ड्रेनेज लाईन असतील, रस्त्यावर खड्डे पडलेले आहेत, ठिकठिकाणी पाणी साचलेलं आहे, हे सगळे कामं पाठपुरवा करून लोकप्रतिनिधींनी पूर्ण करून घेतले असते। म्हणून मी असं म्हणेन की आता फार वेळ झालेला आहे। जवळजवळ 6 महिने महानगरपालिकेची मुदत संपून 6 महिने झालेत आणि आता या शहरातील जनतेची एक मर्यादा सहनशीलता संपत आलेली आहे आणि त्यातच हे कोरोनाचं महामारीचं संकट। म्हणून मी म्हणेन की माझं असं मत आहे की आता या औरंगाबाद शहरातील महानगरपालिकेचे इलेक्शन लागलं पाहिजे, इलेक्शन झालं पाहिजे। इलेक्शन झालं तर त्याचा फायदा असा होईल की काही 100 ते 115 नगर सेवक महानगरपालिकेत निवडून जातील आणि हे जे प्रशासन आहे ते हटवलं जाईल आणि शहरामध्ये लोकप्रतिनिधींचं म्हणजे पूर्वत महानगरपालिकेचा कारभार सुरू होईल आणि या नगरसेवकांच्या माध्यमातून मग महापौर असतील, नवीन चेअरमन असेल, नवीन महापौर असतील, सभागृह नेता असतील, विरोधी पक्ष नेता असतील, या सगळ्यांच्या माध्यमातून शहराचा विकास केला जाईल। त्यामुळे मी असं म्हणेल की आता इलेक्शन लागले पाहिजे, निवडणुका झाल्या पाहिजे। कारण आत्ताच तुम्ही ऐकलं असेल, तुम्हाला माहीत असेल की बिहार सरकारने निवडणुका घेण्याची परवानगी दिलेली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातही महानगरपालिका लागल्या पाहिजे, निवडणूक झाली पाहिजे असं माझं स्पष्ट मत आहे। महाराष्ट्रामध्ये आता सध्याला तरी महाआघाडीचं सरकार आहे आणि आम्ही सगळे मिळून या शहरातील जे तिन्ही पक्षाचे पदाधिकारी आम्ही एकत्र बसून चर्चा करू आणि शासनाला म्हणजे सरकारला माननीय मुख्यमंत्र्यांना मी एक निवेदन देऊ की आता या शहरामध्ये इलेक्शन झालं पाहिजे। अब वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है।
22 तारीख से सेंट्रल बस स्टैंड और सिडको बस स्टैंड पर जारी एंटीजन टेस्ट में तकरीबन 1000 से ज्यादा मुसाफिरों का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें 60 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए। कोरोना पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की जानिब से कई इकदाम उठाए गए। 22 तारीख को इंतजामिया की जानिब से सेंट्रल बस स्टैंड और सिडको बस स्टैंड पर शहर में दाखिल होने वाले अफराद का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। इंतजामिया से मिली तला के मुताबिक अब तक 1000 से ज्यादा अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें 60 अफराद कोरोना वबा से मुतासिर पाए गए। आज औरंगाबाद सेंट्रल बस स्टैंड पर 145 टेस्ट किए गए, जिसमें 4 अफराद मुजर पाए गए। इसके अलावा सिडको बस स्टैंड पर 97 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया, जो सारे ही इस वबा से महफूज पाए गए। इसकी मजीद मालूम टास्क फोर्स के ऑफिसर सलमान काजी ने एडियन उर्दू न्यूज को दी। औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से सिडको बस स्टैंड और सिडको बस स्टैंड पे मैनेज करे कैंप लगाए, जिसमें से आज 145 स्वैब हुए और 4 पॉजिटिव निकले सेंट्रल बस स्टैंड पे, और सिडको बस स्टैंड पे 97 स्वैब हुए, उसमें से पॉजिटिव नहीं आए। ये तकरीबन 5 बजे तक कैंप चलने वाला है और डीली लगाने वाले हैं। डॉक्टरों के हमरा काम करने वाली नर्सों का शुमार भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स में किया जाता है। इन्हें भी हुकूमत की जानिब से सेफ्टी किट मुहैया करवाई जाती है। घाटी इंतजामिया की जानिब से नर्सों को सेफ्टी किट नहीं दी जा रही है। इस तरह का इल्जाम नर्सों की जानिब से इंतजामिया पर लगाया गया। कोरोना वार्ड में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले नर्स स्टाफ ने आज घाटी अस्पताल में घाटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजों की मांग यह है कि इन्हें अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए इंतजामिया की जानिब से मास्क और सेफ्टी किट नहीं दी जा रही है। इसकी बार बार शिकायत करने पर भी इंतजामिया इसे नजरअंदाज कर रहा है। सेफ्टी के अलावा जो मास्क दिया जाता है उसकी मुद्दत सिर्फ 8 घंटे है, लेकिन इन्हें वही मास्क कई रोज तक इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से इस तरफ तवज्जो मबजूल करने का मुतालबा किया। बस सूरत दिगर इंतजामिया के खिलाफ बेमुद्दत हड़ताल की जाएंगी। ये मालूमात कारगुजार इंदुमती थोरात ने एडेन उर्दू न्यूज को दी। कक्षांमध्ये कोविड कक्षांमध्ये ड्यूटी करत असताना परिचारिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे आणि अनेक प्रश्न त्यांचे प्रलंबित आहेत। यावर चर्चा करून प्रश्न सोडवावेत अशी आमची अपेक्षा होती, परंतु शासनाने आम्हाला वेळ न दिल्यामुळे आजचे हे लक्षवेधी आंदोलन आम्हाला करावे लागत आहे। कोविड कक्षामध्ये ड्यूटी करणाऱ्या परिचारिकांना N95 मास्क मिळत नाही, किट ज्या आहेत त्या चांगल्या प्रतीच्या मिळत नाही आणि मुबलक प्रकारात साहित्य मिळत नाही। मास्क महिन्याला 3 मास्क दिले जाते की ज्या मास्कची वैधता फक्त 8 तास असते। 8 तास तो मास्क वापरल्यानंतर तो फेकून द्यायचा असतो, परंतु प्रशासन सांगतं की हे मास्क तुम्ही धुवून वापरा नंतर याचं याला काही होत नाही, परंतु जे खुर्चीत बसलेले असतात सगळे आणि ते मात्र दररोज मास्क चांगले चांगले क्वालिटीचे N95 वापरत असतात आणि ज्या फ्रंट लाईनला परिचारिका 24 तास ड्यूटी करत असताना त्यांना मास्क आणि PPE किट हे दर्जेदार साहित्य मिळत नाही। दुसरी गोष्ट म्हणजे 7 दिवस ड्यूटी केल्यानंतर फक्त 3 दिवसच त्यांना क्वारंटाईन लीव दिली जाते, परंतु त्या 7 दिवसामध्ये इतका अशक्तपणा आलेला असतो की 3 दिवसामध्ये तो अशक्तपणा कदापि भरून निघणं शक्य नाही। असे असताना परिचारिकांच्या जीवाशी हे शासन आणि प्रशासन खेळत आहे। आम्ही वारंवार पत्र देऊनही आमच्याकडे प्रशासनाने आणि शासनाने दुर्लक्ष केलेलं आहे। यानंतर हा फक्त लक्षवेधी आमचा 2 तासाचा कामबंद आंदोलन आहे। यानंतर जर शासनाने परिचारिकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलं तर बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा मी शासन आणि प्रशासनाला देत आहे। आज दोपहर तक जिले में 123 नए मरीजों की रिपोर्ट मुस्बत आई है। अब जिले में मरीजों की तादाद 21,515 हो चुकी है। 16,440 मरीज इस वबा को शिकस्त देकर सेहतयाब हुए हैं, तो वहीं 645 मरीज लुकमे अजल बन गए। जिले में 4,430 मरीज जेर इलाज है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। घाटी अस्पताल में मरीज खातून स्ट्रेचर से गिर पड़ी, वार्ड स्टाफ ने किया नजरअंदाज। चोरी की वारदातों में दिन ब दिन हो रहा है इजाफा, टाउन हॉल इलाके में पेश आया चोरी का मामला। कोरोना वबा के चलते बसों में हुई मुसाफिरों की तादाद कम। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इंडियन उर्दू न्यूज़। आदाब।